अमेरिका में साल 2024 में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 जनवरी को आयोवा प्रांत में रिपब्लिकन पार्टी की पहली कॉकस में मतदान हुआ। इस कॉकस में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। ट्रंप करीब 50% वोटों के साथ आगे चल रही है। इस जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन को टक्कर देने का सपना सच होता दिख रहा है। इस चुनाव में भारतीय अमेरिकी निक्की हेली तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 20% वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस रहे, जिन्हें 21% लोगों ने वोट दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप 50% वोटों के साथ सबसे आगे रहे। विवेक रामास्वामी को महज 7.7% वोट मिले, जिसके बाद रामास्वामी ने राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़ने का ही ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ में पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वी विवेक रामास्वामी की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी। इस साल के अंत में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए ट्रंप को रामास्वामी ने कड़ी टक्कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारतीय अमेरिकी उद्यमी रामास्वामी नामांकन हासिल करने के लिए गलत हथकंडे अपना रही हैं।